मैं शांति से अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे कुछ अलग दिखता रहा है। जब मैं हिमालय में अपनी आंखें खोलता हूँ तो मुझे कुछ अलग ही दिखता रहा है। ध्यान की मुख्यतः चार विधियाँ, देखना, सुनना, सांस लेना और आंखें बंद करना। लगभग सभी विधियों में कहा गया है कि आंख बंद करके दोनों भौहों के बीच या मध्य बिंदु पर देखने का प्रयास करें और मन को केंद्रित करें। एकाग्रता में सबसे बड़ी रुकावट आती है मन के भटकने से। जो लोग भटकते हैं, जो मन पर नियंत्रण पाने में नाकाम रहते हैं, उनके लिए ध्यान कभी भी सरल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ध्यान की शुरुआत सबसे पहले एक एकांत वातावरण की जरूरत होती है, जहां कहीं शोरगुल ना हो और बैठने के लिए एक साफ सुथरा या कह लीजिए चटाई नुमा आसन के ऊपर रखा हो, उसी में बैठकर ध्यान किया जाता है। प्राणायाम करना या थोड़ी थोड़ी देर तक लंबी लंबी सांस धीरे धीरे लेना और धीरे धीरे छोड़ना दिमाग और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता रहता है या बढ़ाता है। इसमें आपको जोर नहीं लगाना है, जिससे कि आंखों में या सिर में दर्द ना होने लगे। बस बंद आंखों में आराम से दृष्टि को हमेशा ऊपर को रखनी है। नियमित रूप से ध्यान करने के सभी तरीके, ध्यान करने की सभी विधियां और ध्यान के सभी तरीके और सभी फायदे बताने की मैं एक कोशिश कर रहा हूं आपके अनुरोध पर। वैसे सभी ध्यान क्रियाओं का मूल एक ही है, इसलिए सभी ध्यान विधियों को अच्छा ही माना जाता रहा है। इससे मस्तिष्क सक्रिय या चार्ज होता है और विचारों को कंट्रोल करना संभव होता है। ध्यान में मन को विचारों से हटाकर एक बिंदु या एक विचार पर स्थिर करना होता है। इसके साथ ही ध्यान लगाने से मन में पूर्ण आत्मविश्वास जागृत होता ही है, जिससे वह असाधारण कार्य को भी शीघ्रता से संपन्न करा लेता है। कुछ माह बाद व्यक्ति को भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के पूर्वाभास भी होने लगता है। कुछ योगी जन कहते हैं कि नीला रंग में आज्ञा चक्र और जीवात्मा का रंग और इसी नीले रंग के रूप में जीवात्मा ही दिखाई देती है या दिखाई पड़ती है। ऐसा व्यक्ति भूत और भविष्य की कल्पनाओं में जीवन नहीं जीता है। ध्यान हमें संसार के सारे दुखों से आजाद कराकर अध्यात्म की ओर ले जाता है। पीला रंग जीवात्मा का प्रकाश है। इस प्रकार के रंगों के गोले दिखना आज्ञा चक्र के जागृत होने का लक्षण बताता है।
या माना गया है। दिव्य ध्यान के लक्षणों में साधक को कठोर साधना के बाद ही सूर्योदय वाली दिव्यता अथवा दिव्य ज्योति पुंज का सूक्ष्मता से दिव्य तेज पुंजता का आभास भी होने लगता है।